हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रिलायंस निप्पल। सो डिटेल्ड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो शुरुआत हम हमेशा की तरह मंथली चार्ट से करेंगे। तो मंथली चार्ट अगर हम स्टॉक का देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेटा नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है 2017 में ही लिस्ट हुआ था, तो नवंबर 17 से यहाँ पर हमें इसका डेटा मिल रहा है। तो ये स्टॉक का जो लिस्टिंग प्राइस था करीब 295 के आसपास ये ओपन हुआ था, और 260 के आसपास इसने मंथली क्लोजिंग दी थी। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी अगर आप देखें, और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं देखा। नेक्स्ट कैंडल जो बनी एक तरह से शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और लगातार उसके बाद हमें यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखी। स्टॉक ने लोअर लो लोअर हाईस का स्ट्रक्चर बनाया, और जो स्टॉक ने अभी तक ऑल टाइम लो बनाया है वो करीब 177 के आसपास बनाया, आप इसको देख सकते हैं। तो इस लो को हम बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ मार्क कर देंगे, और ये सेम लो अगर आप देखें, सेम लो स्टॉक ने टेस्ट किया एक अच्छी बुलिश कैंडल से, और इस कैंडल का जो लो बना करीब 127 के आसपास बना, और पिछली कैंडल ये जो हैमर कैंडल आप देख रहे हैं इसका लो भी 127 था। तो ये एक तरह से मैचिंग लो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया, और इस कैंडल पे अगर आप जो बुलिश कैंडल देख रहे हैं इस कैंडल पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप पिछला वॉल्यूम देखें गिरावट का, तो वो गिरावट का वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बुलिश कैंडल पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया। RSI भी यहाँ से तभी साइमल्टेनियसली 40 के लेवल के ऊपर आती हुई नज़र आई, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे स्टॉक में लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हम यहाँ पे फर्दर प्राइस एक्शन नोटिस करें तो इस स्टॉक में हम ब्रेकआउट भी क्लियरली देख सकते हैं, और ब्रेकआउट भी देखें तो एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ हुआ है। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल है। अगर आप प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें तो ये कैंडल अब तक की सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है, और अगर आप चाहें तो इसे परसेंटेज टर्म्स में भी देख सकते हैं कि इस कैंडल का परसेंटेज कितना है। ओके, तो करीब 45% का यहाँ पे एक महीने में आपने स्टॉक में गेन देखा 19 अक्टूबर में। उसके बाद क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, अच्छी बुलिश कैंडल है, तो एक तरह से एक एग्जॉशन कैंडल भी इसे कह सकते हैं। तो उसके बाद स्टॉक का थोड़ा सा कंसोलिडेट करना यहाँ पर एक तरह से आप एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, और स्टॉक उसके बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बनाता हुआ नज़र आया, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बनाया। आप इसे स्पिनिंग कैंडल भी कह सकते हैं, स्पिनिंग डोजी भी कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है ये जो ब्रेकआउट लेवल है करीब 300 का लेवल है, अगेन एक राउंड फिगर है, राउंड फिगर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक ये स्टॉक 300 का लेवल होल्ड कर रहा है, हो सकता है स्टॉक में हमें आगे भी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन ये 300 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तभी जो हमारा तेजी का व्यू है स्टॉक में बना रहेगा। लेकिन अगर ये 300 का लेवल स्टॉक मंथली बेसिस पे होल्ड नहीं करेगा, गिरावट दिखेगी, तो स्टॉक हो सकता है फिर से आपको गिरावट एक तरह से इसमें हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो उस केस में आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स प्लॉट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक तरह से प्राइस की सपोर्ट को भी कंफर्म कर सकते हैं और फर्दर सपोर्ट भी स्टॉक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो पहला सपोर्ट मिल रहा है फिबोनाची जो सपोर्ट दे रहा है करीब 287 के आसपास दे रहा है, तो ये 13 पॉइंट का जोन आपको यहाँ पे स्टॉक से मिल जाता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि सपोर्ट कोई एक सिंगल लेवल नहीं होता, एक जोन होता है। सो इस केस में यहाँ पर एक जोन बन गया, ये लेवल है 300 से 287 के, तो 13 पॉइंट का ये जोन है। तो स्टॉक जब तक ये जोन को होल्ड कर रहा है, जो हमारा तेजी का व्यू है स्टॉक में बना रहेगा। ओके, और RSI भी यहाँ पे 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो प्राइस और RSI इंडिकेटर और वॉल्यूम तीनों चीज़ें यहाँ पर कंफर्म है, एक कन्वर्जेंस में है। ओके, तो चलिए चल के देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें स्टॉक का, ये स्ट्रक्चर है सेम लो रीटेस्ट हुआ, नया लो नहीं बना, उससे पहले लोअर लो लोअर लो लोअर हाई स्टॉक बना रहा था, उसके बाद स्टॉक ने प्रीवियस हाई यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ।
प्रीवियस हाई क्रॉस किया, एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस किया, ये लेवल को होल्ड किया काफ़ी टाइम तक, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अटकता हुआ नज़र आया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर ये सेम लेवल होल्ड किया। और अगर आप इसका ऐसे स्ट्रक्चर नोटिस करें कि इसमें ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, तो इस तरह प्राइस एक्शन से स्टॉक का कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, सो हायर हाई का स्ट्रक्चर हमें स्टॉक में लगातार दिख रहा है, तो जैसा हमने अब तक इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में देखा कि स्टॉक पिछले हाई को हमेशा होल्ड करने की कोशिश करता है जहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया था। तो पिछला ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछला ब्रेकआउट का वीकली आपका जो सपोर्ट है वो करीब 287 के आसपास ही आता है। जो फिबोनाची लेवल हमें मंथली लेवल से मिला था, तो यहाँ पे प्राइस लेवल और फिबोनाची मंथली लेवल यहाँ पे अलाइंड है, तो एक फर्दर कन्फर्मेशन हुई कि ये सपोर्ट स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एज लॉन्ग एज ये लेवल स्टॉक होल्ड करता है, हमारा तेज़ी का व्यू इस स्टॉक में बना रहेगा। और वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे हमें अभी भी स्टॉक में देख रहे हैं। और एक वीकली चार्ट पे अगर आप ये सपोर्ट देखें तो ये जो सपोर्ट है एक मेजर सपोर्ट है जो हमने मंथली चार्ट से फाइंड आउट किया था, और वीकली चार्ट का ये सपोर्ट भी आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता है स्टॉक इस लेवल से नीचे ना जाए, तो इस लेवल के आसपास आप डेली और आर्ली चार्ट पे प्राइस एक्शन को नोटिस कर सकते हैं। ये लेवल आपका आता है 330 के आसपास, और करंट वीक की जो कैंडल आप देख रहे हैं एक तरह से एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है, लेकिन हैमर कैंडल से पहले अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो केवल दो कैंडल थी, तो ये कैंडल उतनी रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर। बट क्योंकि RSI 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, RSI ऑलमोस्ट 60 के सपोर्ट पे है, तो उस केस में हम यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्राइस एक्शन को इस सपोर्ट को हम इम्पॉर्टेंस दें और डेली और आर्ली चार्ट पे हम प्राइस एक्शन को नोटिस करके अपने चार्ट अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं डेली चार्ट। सो डेली चार्ट पे भी हायर हाईज हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन्ड है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो लास्ट स्विंग आप देख सकते हैं ये ओवरलैपिंग स्विंग है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी के साथ साथ यहाँ पे साइडवेज हो गया है, तो मंथली चार्ट पे बुलिश है, वीकली चार्ट पे बुलिश है, लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ा सा साइडवेज नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे। और जैसा कि हमें उसके स्ट्रक्चर से पता चला था वीकली चार्ट से कि स्टॉक का कैरेक्टर ऐसा है कि ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता ही करता है, तो चांसेस हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रहे डेली चार्ट पर कुछ टाइम के लिए। सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। आपको इस रिव्यू से क्या सीखने को मिला आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह के वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो मार्केट टेक्निकल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।